वेलकम टू एसएस डिवाइन स्कूल। आपने छुट्टियां बहुत ही अच्छी तरह से इंजॉय की होगी, तो अभी हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी का पहला पाठ हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पाठ नंबर 1 है यातायात। यातायात का मतलब होता है आने जाने के लिए जो भी साधन यूज होते हैं हम उसे यातायात कहते हैं। अभी आप स्कूल में आते हो तो तब आप बस में आते हो, किसी को पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, कोई स्कूल वैन में आते हैं, तो वो सब क्या हो गए, यातायात के साधन हो गए। और चित्रपाठ का मतलब होता है आपकी बुक में एक चित्र दिया गया होता है और नीचे उसके क्वेश्चन दिए गए होते हैं। आपको चित्र में से उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के वो आपको लिखना होता है, तो उसे बोलते हैं चित्रपाठ। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। तो चित्र में फर्स्ट है, चित्र में देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। आपको चित्र में देखना है कौन कौन से फूल है और उनकी सूची बनानी है। तो हम देख सकते हैं चित्र में, तो हम पहला आंसर लिखेंगे चंपा, मोगरा, गुलाब, और गुड़हल। तो आपको चित्र में दिखाई गया होगा यहाँ पे चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल है। तो हमने लिखा चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल है। ये सब हमें चित्र में दिखाई दे रहे है। फिर दूसरा है आपका चित्र में नहीं है, जो चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची तैयार कीजिए। जो हमें ये पिक्चर दिया गया है नहीं है ऐसे फूलों की हम सूची तैयार करेंगे। तो हमें चित्र में कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रातरानी, सूरजमुखी, चमेली, बारहमासी, रातरानी, सूरजमुखी, ये सारे फूल हमें चित्र में दिखाई दे नहीं रहे। तो हम पीछे दूसरा पेज टर्न करेंगे। अभी दूसरा चित्र हमें दिया गया है, उसका हम लिखेंगे आंसर, समझेंगे और लिखेंगे। तो इसमें लिखा है चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाएं। चित्र में जो भी यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं उसकी हमें एक सूची बनानी है। तो हमें यही चित्र नहीं देखना है,
हमें आगे का भी चित्र देखकर सूची बनानी है। दोनों चित्र में देखकर हम सूची बनाएंगे। तो चित्र में स्कूटर, साइकिल, मोटर कार, रिक्शा, तो हमें कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, हमने यहाँ सूची तैयार की है। तो हमें कौन कौन से दिखाई दे रहे, तो स्कूटर, साइकिल, मोटर कार, रिक्शा, हवाई जहाज, नाव, हेलीकॉप्टर, जहाज, ये दोनों चित्र में मिलकर ये सब हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो चित्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं उन यातायात के साधनों के हम नाम लिखेंगे। तो चित्र में हमें टांगा नहीं दिखाई दे रहा है, तो टांगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, तो चित्र में ये यातायात के साधन हमें नहीं देख रहे हैं। तो तांगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी ये चित्र में हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें आपको बताया गया है आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दिए गए तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें ये वर्गीकृत करने हैं, ये सारे साधन जो हमने लिखे हैं उसको हमें वर्गीकृत करने हैं। तो पहले आएंगे दो पहियों वाले, बाद में आएंगे तीन पहिए वाले, तालिका नंबर वन में हमने चार पार्ट को डिवाइड किया है, चार पार्ट में डिवाइड किया है।
दो पहियों वाले, तीन पहियों वाले, चार पहियों वाले, चार से अधिक पहियों वाले। तो दो पहियों में कौन कौन से आएंगे? तो साइकिल, साइकिल, स्कूटर, तांगा, बैल। फिर तीन पहियों में, तो तीन पहियों में कौन कौन से आएंगे? तो ऑटो रिक्शा, तो हम यहां लिखेंगे रिक्शा। फिर चार पहियों वाले, तो चार पहियों में कौन कौन से आएंगे? तो आएंगे मोटर कार और उठगाड़ी। और चार से अधिक पहियों वाले में आएगा बस और तो तालिका में हम देखेंगे दो पहियों वालों में आएगा साइकिल, स्कूटर, तांगा, बैलगाड़ी। जिसमें दो पहिए होते हैं उसको दो पहिए वाले साधन बोलते हैं। फिर यहाँ पे है तीन पहियों वाले, तो तीन पहियों वाले में आएगा रिक्शा। फिर चार पहियों वाले, तो चार पहियों वाले में आएगा मोटर कार और उठगाड़ी। फिर यहाँ पे लिखा है चार से अधिक पहियों वाले, तो बस और रेल। तो ये हमारा नंबर 5 तक के आंसर हमारे रेडी हो गए हैं। नंबर 5 में तालिका 1 है, अब हम आगे तालिका 2 पढ़ेंगे। भी यहाँ पे लिखेंगे तालिका 2। तो तालिका में हमें क्या दिया है? तालिका 2 में पहला है सड़क, चलने वाले यातायात के साधन। और हवा में उड़ने वाले साधन। और दूसरा है पानी में चलने वाले तो हमें यहाँ तालिका 2 में क्या करना है? तीन पार्ट में ये डिवाइड हुआ है, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन,
हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो हमें अभी लिखना है, तो कौन कौन से आएंगे? तो हम लिखेंगे, तो सड़क पर चलने वाले यातायात साधन के नाम लिखेंगे, साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, टांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ये सब सड़क पे चलने वाले यातायात के साधन हैं। अब हम देखेंगे हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन। तो हवा में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, फिर है पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो पानी में नाव चलती है और जहाज चलता। तो ये हमारा तालिका नंबर 2 कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार समझा देती हूँ, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। तो सड़क पे जो साधन चलते हैं यातायात के लिए, ये साधन हमें यहाँ लिखने हैं। तो सड़क पे साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, टांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, ये सब सड़क पे चलते हैं। बाद में है हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन। तो जो हवा में उड़ते हैं वो साधन के हमें नाम लिखने हैं। तो हवा में हेलीकॉप्टर है और हवाई जहाज है। फिर बाद में पानी में चलने वाले यातायात के साधन, जो पानी में चलते हैं उस यातायात के साधन के नाम हमें लिखने हैं। तो नाव और जहाज है। तो हमारा ये तालिका नंबर 2 भी खत्म हो गया। जो हमें वर्गीकृत करना था वो खत्म हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 टिकट दी गई है। नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम 2 टिकट दी गई है, एक बस का है और एक रेलवे का टिकट है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये टिकट में मैंने यहाँ ये टिकट बना रही हूँ, आपको पता चले इसलिए।
ये मैंने यहाँ पे ये रेलवे का टिकट है और ये बस का टिकट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह क्या है? तो आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये दोनों टिकट है, तो हम लिखेंगे यह टिकट है। फिर नीचे लिखा गया है बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो ये बस का टिकट यहाँ पे हड़द से चिलोड़ा तक का है, ये हड़द से चिलोड़ा तक का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बस का टिकट कहाँ तक का है बस का टिकट, हड़ाद से चिलोड़ा तक का है। फिर थर्ड नंबर पर लिखा है रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो रेलवे का टिकट यहाँ पे हम लिखेंगे मुंबई का टिकट मुंबई से अहमदाबाद बस के टिकट में किराया कितना लिखा है। तो बस के टिकट में किराया यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 91 रुपए है। तो हम लिखेंगे बस के टिकट में लिखा
बस के टिकट में कितना किराया लिखा है? हमने लिखा कि बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखा है। रेल के टिकट का दिनांक बताइए। तो अभी रेल के टिकट का दिनांक हमें बताना है, तो हम लिखेंगे रेल के टिकट का दिनांक 11/11/2000। कौन सा दिनांक है? तो रेल के टिकट का दिनांक 11/11/1 है। रेलवे टिकट का पढ़कर किराया बताइए। अभी रेलवे का किराया हमें बताना है, तो रेलवे रेल के टिकट का किराया 204 रुपये। नंबर सेवन, और ये लास्ट बस और रेलवे के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो जहाँ पे टिकट लगता है उसके नाम हमें लिखने हैं। तो आप बस में चल रहे हो तो आपका बस में किराया होता है, तो बस हवाई जहाज और जहाज में किराया लगेगा। हम यहाँ अभी क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है, बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 6 अभी मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। तो पहला हमारा क्वेश्चन था, यह क्या है? तो यह टिकट है। क्वेश्चन नंबर 2, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो बस का टिकट हड़ाग से चिलोड़ा तक का है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में था, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो हमने देखा रेलवे का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। नंबर 4 में था, बस में टिकट में किराया कितना लिखा है? लिखा है यहाँ पे बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखा है। फिर बाद में है, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो रेलवे के टिकट का किराया 204 रुपये है। फिर लिखा है रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। तो रेलवे टिकट का दिनांक 11/11/2001 है। फिर लास्ट में है, बस और रेलवे के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? बस, हवाई जहाज और जहाज में किराया लगता है। तो हमारे चैप्टर 1 का आधा हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। आधा हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आप इसको पढ़िए, समझिए, देखिए।